सरकार तो हमें दिखाई ही नहीं दी। सरकार, वही मैंने बताया कि सरकार हमारे गांव वाले हैं, मतलब जिन्होंने हमें ये सुविधा दी। बोर्ड की बारी आती है तब बोलते हैं हाँ हम पुल देंगे, सब कुछ देखें, लेकिन जब बोर्ड मिलते हैं उसके बाद तो कुछ भी नहीं मिलता। हमारे से ये सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है और सरकार का ये हाल है, मतलब सरकार यहाँ तक ये चीज़ नहीं देखती कि यहाँ लोगों को किस किस चीज़ की दिक्कत है या क्या है क्या नहीं। अज 75 साल बाद सोचते हैं कि आज़ादी मिली आज। ये पुल जो लोगों ने सारे ने मिल के बनाया है, बहुत खुशी हुई है आज। के हमें रात में कोई परेशानी हो जाती, कोई बीमार हो जाता, हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे हम, कि इसमें पानी आ जाता था नदी में। तो आज इतनी खुशी है हमें कि हमें ऐसे सोचते हैं कि हमें आज़ादी आज हुई है हमारी। कहाँ देखते कॉर्पोरेशन तो बातें करती है जी। हम ये सोचते थे कि बीजेपी सरकार अच्छी है, हमने वोट दिए थे इनको, बनाया था, मगर हमारा का ये एक पुल ही नहीं बनेगी। मात्र हम 4 किलोमीटर दूर हैं शहर से। बहुत खुशी है हमें कि हमने ये पुल जो लोगों ने सारे ने मिल के बनाया है, बहुत खुशी हुई है आज। के हमें रात में कोई परेशानी हो जाती, कोई बीमार हो जाता, हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे हम, कि इसमें पानी आ जाता था नदी में। तो आज इतनी खुशी है हमें कि हमें ऐसे सोचते हैं कि हमें आज़ादी आज हुई है हमारी। सरकार को प्रशासन कहाँ देखते कॉर्पोरेशन तो बातें करती है जी। हम ये सोचते थे कि बीजेपी सरकार अच्छी है, हमने वोट दिए थे इनको, बनाया था, मगर हमारा का ये एक पुल ही नहीं बनेगी। मात्र हम 4 किलोमीटर दूर हैं शहर से। इसको ये कहते हैं कि वार्ड नंबर 17 है, वह हमें पता नहीं लगता है वार्ड नंबर है 17 है या इसमें कोई सरकार का कुछ रोल नहीं रहा जी। हमारे पुल हमारे सामने बिल्कुल पुलिस की एकेडमी है, सामने गेट के सामने इधर मंत्री भी आते हैं, पीछे डॉक्टर जी आए थे जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी कुछ इधर हमारे के उनके पास भी हमने एप्लीकेशन दे रखी है। कुछ हमारा आज दिन तक ये पुल ही नहीं बनी जी। चल कितनी लागत से लोगों ने बनाया ये जी? 2 लाख से ऊपर का इसका पैसा लगाया लोगों ने, सारे ने इकट्ठा, किसी ने दिहाड़ी लगाई है, जिसका पैसा नहीं, जो मजदूर था पैसा नहीं दे सकता था, उसने दिहाड़ी लगाई इसमें, उसने खुदाई की, किसी ने कुछ किया, ऐसे काम किया। पानी की बहुत दिक्कत थी, पुल नहीं था और पानी रुवार पार करने में बड़ी मुश्किलें आती थी। हमारे बच्चों को बड़ी दिक्कत थी, हम मतलब इतनी टेंशन में पड़ते थे कि बच्चे स्कूल जाएं, और हम यही देखते थे कि बारिश नहीं पड़नी चाहिए, अगर बारिश पड़ी तो हमें बच्चे घर में पहुंचाने में बड़ी दिक्कत आती थी, बड़ी परेशानियां करनी पड़ती थी। तो अब मतलब 20 साल के बाद हमें ये पुल की सुविधा मिली है, हमें बड़ी खुशी है। सबसे पहले तो हमें मतलब गाँव वालों की वजह से ये चीज़ मिली है, जो मतलब पुल हम आराम से रुवार पार आ जा सकें। इसमें पैसा तकरीबन 2 लाख तक इस पुल पे लगा है, और जो मतलब नौकरी कर रहे थे उन्होंने उसी हिसाब से दिया, जो दिहाड़ी लगा रहे थे उन्होंने उसी हिसाब से दिया, जिसके पास नहीं थे गरीब के पास उसने खुद अपना दिन लगाया, मतलब इस हिसाब से हमने ये पुल तैयार किया। सरकार और सरकार तो हमें दिखाई नहीं दी। सरकार, वही मैंने बताया कि सरकार हमारे गाँव वाले हैं, मतलब जिन्होंने हमें ये सुविधा दी। इतने सालों से तो सरकार ने भी, आते हैं जब बोर्ड की बारी आती है तब बोलते हैं हाँ हम पुल देंगे, सब कुछ देखें, लेकिन जब बोर्ड मिलते हैं उसके बाद तो कुछ भी नहीं मिलता। हमारे पानी की हालात देखो, पानी लेने के लिए भी हमें रास्ता नहीं है, मतलब एक चश्मा है वहाँ से हम नीचे जाके पानी नहीं भर सकते, लेकिन सरकार बोलती है हाँ जी हम आपको पानी के लिए भी पौड़ियाँ देंगे, मतलब हर चीज़ देंगे, मतलब पानी बनाने के लिए, लेकिन आज तक वो भी नहीं मिला। से ये सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है और सरकार का ये हाल है, मतलब सरकार यहाँ तक ये चीज़ नहीं देखती कि यहाँ लोगों को किस किस चीज़ की दिक्कत है क्या नहीं। तो हमें बच्चों की भी बड़ी परेशानी थी, या बीमार जब कोई हो जाता बुजुर्ग बच्चा तो यहाँ से आने जाने में बड़ी दिक्कत आती थी। बरसात में जब पानी आता है तब तो हम एक एक महीना ये पानी क्रॉस ही नहीं कर पाते थे, हमें इतनी मुश्किल होती थी कि बच्चों को स्कूल छोड़ना या बीमार की दवाई लाना, आना जाना बहुत दिक्कत थी। अब मतलब 20-30 साल के बाद हमें ये पुल मिला, हम इस पुल से बहुत खुश हैं, अपने गांव वालों से खुश हैं जिन्होंने मिलके मतलब ये रास्ता बनवाया।